ड्रामा सिल हज़रत बहुत ही जराम बन चुका हूँ। आपको दिखाया जाएगा कि हमज़ा हरीफ फरीन के पास आता है और कहते हैं कि फरीन कैसी हो तुम। फरीन कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमज़ा कहता है देखो फरीन, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था तुम्हारे बारे में, मैं तो हमेशा उसी की याद में गुम था। फबिया न जाने क्यों मुझसे दूर होगी, बस यही सोचता रहता था। जब वह सुनती फरीन तो कहती है कि देखो वो अपनी ज़िंदगी में खुश है तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लौट आना चाहिए, इसलिए मैंने ये कोशिश की। आज मैं सारी ज़िंदगी फैसला न कर पाता अगर तुम और हानिया कोशिश न करते, मैं तो फबिया की यादों में ही ज़िंदगी गुजार देता। फरीन कहती है क्यों, आखिर किस लिए? वो धोखेबाज तुम्हें धोखा देकर चलेगी और तुम उसकी यादों में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, क्या तुम्हारा हक नहीं खुशियों पर? जब वह सुनता है हमज़ा तो कहता है कि हक तो है लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा दिल नहीं मानता, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मैं अपनी खुशियों को पालूंगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नेक्स्ट सीन में आपको दिखाया जाएगा कि फबिया बहुत परेशान होती है। उसकी माँ जब कॉल करती है तो कहती है कि बेटा क्या बना, बच्चे मिल गए क्या? फबिया कहती है नहीं अम्मी, अगर बच्चे ना मिले तो मुझे लगता है कि मेरा इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और हमने मुझे साफ बता दिया अगर बच्चे ना मिले तो वो मुझे छोड़ देगा। जब वह सुनती है उसकी माँ तो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा क्या कसूर है भला इसमें, मैं आती हूँ यहाँ पर। कहती है नहीं नहीं आपने नहीं आना, सनाया और उसके घर वाले मौजूद हैं यहाँ पर, मैं नहीं चाहती कि कोई इस किस्म की बात हो। जब वह सुनती है उसकी माँ तो कहती है कि नहीं बेटा, इस तरह कैसे मैं तुम्हें अकेला छोड़ सकती हूँ, जानती हूँ और हमने जैसे भी तुमसे शादी की, लेकिन अब मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें इससे तकलीफ़ में तो नहीं देख सकती। जब वह सुनती है फबिया तो कहती है कि अम्मी जो तकलीफ़ें मेरी ज़िंदगी में लिखी हैं वो ज़रूर आएँगी, सबको देखें।